So last day we learned about Northern Mountains, three ranges, Himadri, Himachal, Shivalik. So today we will learn about the life in that region, how the people living there. Okay. So first one Himadri है. Himadri हमने बोला पूरे साल उधर हमको बहुत ठंडी लगेगा, फिर भी उधर बहुत कम लोग रहते हैं. ओके, उधर जीने के लिए बहुत मुश्किल होते हैं. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लिव देयर. मेजर स्टेट्स इंक्लूडिंग इन दिस हिमाद्री रीजन आर हिमाचल प्रदेश, देन सिक्किम, देन और यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड काश्मीर. देन जम्मू कश्मीर में टू फेमस लेक्स है, उसका नाम है वोलार एंड दाल. उधर सभी हाउस बोट्स भी बहुत ज़्यादा है, फॉरेन पीपल बहुत ज़्यादा ये सभी देखने के लिए इधर आता है. सो इन लोगों को मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है, मेन वर्क जॉब क्या होता है, इन लोगों को मेन वर्क टूरिज्म है. इन लोगों को पैसा टूरिज्म से मिलता है. सो टूरिज्म से कैसे पैसे मिलते हैं ये लोग. जब हमने उधर पिकनिक जाते हैं वो टाइम हमको अच्छी तरह गाइडिंग दे दूँ, देन दे विल अरेंज द होटल फैसिलिटीज, दे विल अरेंज द फूड आइटम्स. ऐसे वो लोग पैसा कमाता है, अर्निंग करता है. सो टूरिज्म इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम इन द हिमाद्री रीजन. एंड इन लोगों का मेन फेस्टिवल्स ईद एंड शिवरात्रि है. ईद और शिवरात्रि ये लोग अच्छी तरह सेलिब्रेट करता है हिमाद्री रेंज में. सिक्किम में देखें तो सिक्किम में जो लड़कियाँ होती है वो लोग एक लॉन्ग स्कर्ट, एक बहुत लंबी स्कर्ट पहनते हैं, उसका नाम है बाकु. सो द नेक्स्ट रीजन हिमाचल रीजन. हिमाचल रीजन में हिमाद्री से ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा लोग हिमाचल रीजन में रहते हैं. हिमाचल रीजन इट इज़ एक्चुअली फेमस फॉर वैलीज एंड हिल स्टेशन. हिमाचल रेंज में बहुत ज़्यादा वैलीज होते हैं, लाइक शिमला, डालहौसिया, कुल्लू मनाली, ये सभी बहुत फेमस प्लेसेस है. देन हिल स्टेशंस लाइक नैनीताल, दार्जिलिंग, मसूरी. दार्जिलिंग से भी बहुत खूबसूरत है, देखने के लिए बहुत खूबसूरत है. और उधर टी गार्डन्स, टी प्लांटेशन से भी बहुत ज़्यादा है. देन उधर के लोग सबसे ज़्यादा खेती करते हैं, फार्मिंग उन लोगों का मेन जॉब है, ऑक्यूपेशन है. एंड दे आल्सो रेयर एनिमल्स लाइक शीप एंड गोट. शीप्स को, गोट्स को सभी उसका मिल्क, मीट सभी बेच के पैसा कमाता है. ओके, एंड मेन फेस्टिवल ऑफ दिस हिमाचल रीजन, हिमाचल रीजन में रहने वाले लोगों का मेन फेस्टिवल दशहरा है. ओके, एंड देन द फाइनल रीजन दैट इज शिवालिक. शिवालिक है तो नैरो वैली से, मतलब सबसे अल्टीट्यूड बहुत कम होते हैं ये थ्री पैरेलल रेंज में. सो उधर थिक फॉरेस्ट सभी बहुत ज़्यादा होते हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स सभी बहुत ज़्यादा होते हैं. वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो माउंटेन्स होते हैं शिवालिक रेंज में, जो माउंटेन्स होते हैं उसका स्लोप्स में जो जमीन अच्छी तरह शेप करके टेरेस फार्मिंग करते हैं. ओके, टेरेस फार्मिंग करके ऐसे पैसे कमाते हैं. देन दे आर ऑल्सो डूइंग कैटल रेयरिंग, एनिमल्स को पालन करके उसका मिल्क, उसका मीट सभी बेच के पैसा कमाते हैं. एंड वन इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो हमारा इंडिया का बहुत ज़्यादा नेशनल पार्क्स, फेमस नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सभी ये रीजन में होते हैं, लाइक राजा जी नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, जिम्बल बारा, कालेश्वर नेशनल पार्क, ये सभी ये रीजन में होते हैं. ओके, सो और लास्ट टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयस. सो लेट अस सी व्हाट आर द प्रोस ऑफ हैविंग आवर ग्रेट हिमालयस. फर्स्ट पॉइंट ये ही है, इट हेल्प्स इन द डिफेंस ऑफ आवर कंट्री. इट विल एक्ट लाइक ए बैरियर अगेंस्ट एनिमीज. जो कुछ लड़ाई से भी हो गए तो क्या हो जाएगा, जो दूसरा कंट्री से हमारा कंट्री में आना बहुत मुश्किल होते हैं वो लोगों को. दूसरा कंट्री से कोई नहीं आ सकते क्योंकि उधर बहुत ठंडी है, बहुत बर्फ़ है, इसलिए वो लोगों को नहीं
आ सकते हैं. सो हिमालय प्रोटेक्ट्स आवर कंट्री इन दैट मैनर. ओके, सेकेंड पॉइंट यही है, हिमालयस की वजह से हमको नॉर्थ इंडिया में बारिश मिलते हैं. अगर हिमालयस नहीं है तो द क्लाउड विल गेट एस्केप, क्लाउड्स अभी दूर जाएगा, बाद में हमको नॉर्थ इंडिया में बारिश नहीं मिलेगा. हिमालयस क्या करता है, जो क्लाउड्स को उधर रुकता है, स्टॉप करता है, उसकी वजह से हमको नॉर्थ इंडिया में बारिश मिलता है. ऑल राइट, थर्ड पॉइंट यही है, हमने बोला ये हिमालयस में बहुत ज़्यादा वेजिटेशन है, बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, स्पेशली इन शिवालिक रेंज. सो दिस आर यूजफुल टू अस, हमको बहुत यूजफुल होता है ये फॉरेस्ट और ये जो एनिमल्स भी होता है. लास्ट पॉइंट यही है, हमारा जो मेन रिवर्स लाइक गंगा, इंदुस, ब्रह्मपुत्र, ये सभी हिमालयस से ओरिजिनेट होते हैं, हिमालयस से शुरू होता है. एंड इट मेक्स अवर लैंड फर्टाइल, जो हमने फार्मिंग सभी वो पानी वो वाटर में डिपेंड होते हैं. एंड दिस आल्सो मेक अवर प्लेन फर्टाइल, जो नदी से हमको बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, वो मिनरल्स भी हमारा नॉर्थन प्लेन्स में डिपॉजिट होता है, इसलिए हमको अच्छी तरह उधर खेती कर सकते हैं. ऑलराइट, सो फोर पॉइंट यही है, हिमालय प्रोटेक्ट्स अवर कंट्री फ्रॉम फॉरेन इन्वेशंस. देन सेकेंड पॉइंट, हिमालय कॉसेस रेनफॉल इन नॉर्थ इंडिया. थर्ड पॉइंट, वी हैव लॉट ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स इन द फॉरेस्ट ऑफ हिमालयस. देन फोर्थ पॉइंट, हिमालयस आर द सोर्सेस ऑफ आवर मेजर रिवर्स लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदुस. ऑलराइट, सो टुडे वी आर वाइंडिंग अप. थैंक्स फॉर